मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पिछत एबार दिल्लीर हुरा केलेंकारी गोचर सहित नाम हांगुर खाई पड़े दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली आबकारी नीतिर गोचर तदंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काख चापिसे और एबार इडिये समन जारी करिसे। ইডি অর্থাৎ পৰ্বতন সঞ্চালকালয়ে আবকাৰ নীতিৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহৰ গোচৰৰ সোধা পোছাৰ বাবে অহা 2 নৱেম্বৰত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তলব কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা গোচৰতে কাৰাগাৰত আছিল মনীষ সিসোদিয়া আৰু সঞ্জয় সিং। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सत्य की जीत हमेशा होती है, और जब से ये शराब नीति का घोटाला आया था, हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे।